क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पर फिर से दोबारा स्वागत है। आज मैं आपको ट्यूबलाइट कनेक्शन के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो चैनल के बराबर में एक घंटी दिखेगी ना आपको, उसे भी दबा दें। तो सबसे पहले हम ट्यूबलाइट कनेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं ट्यूबलाइट क्या है। तो ट्यूबलाइट को एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से हम चला सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ट्यूबलाइट होती कैसी है हमारी। ट्यूबलाइट ये है, ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट ठीक है। ये हमारा फिलामेंट है, टंगस्टन वायर का बना होता है, ठीक है। ये फिलामेंट है, ये इसके दो टर्मिनल हैं, ये इसके दो टर्मिनल हैं, ठीक है। इसमें ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी एंड आर्गन गैस भरी जाती है। इस ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी एंड आर्गन गैस भरी जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस डिस्चार्ज होती है। तो आपको आंसर पता होना चाहिए। डिस्चार्ज ट्यूब में हमेशा जो डिस्चार्ज गैस होती है वो होती है नियॉन। आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो भरी जाती है, इसमें जो गैस भरी जाती है वो मरकरी का जो इसमें सफ़ेद सफ़ेद लेब होता है वही होता है, और आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है। ये फिलामेंट होता है टंगस्टन का। सवाल आता, क्वेश्चन आता है कि जो ट्यूबलाइट के अंदर फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। अब इसे जलाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जब आवश्यकता होती है वो होते, एक होती है चोक, दूसरा होता है आपका स्टार्टर, ठीक है। अब चोक चोक का यूज क्यों करते हैं। चोक का यूज इसलिए किया जाता है पावर फैक्टर, मतलब एकदम से हाई वोल्टेज देने के लिए। लेकिन वो हाई वोल्टेज कुछ माइक्रो सेकंड के लिए होता है, फिर बाद में वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, क्योंकि ट्यूबलाइट को जलाने के लिए, ट्यूबलाइट को ग्लो करने के लिए हमें स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, बाद में कॉन्स्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कॉन्स्टेंट वोल्टेज यानी कि जब चोक को सप्लाई देते हैं हम, सपोज हमने 220 वोल्टेज सप्लाई दी, ठीक है, इनपुट, तो हमारी जो चोक पे एकदम जो वोल्टेज दिखाएगा वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसमें आप केवल थ्योरिकली समझ लीजिए। तो जो अब जब हम इनपुट 200 वोल्ट देंगे तो हमारा जो एक चोक जो हमारा वोल्टेज दिखाएगी आउटपुट, वो एकदम 1000 वोल्ट दिखाएगी, लेकिन कुछ माइक्रो सेकेंड के बाद उसका वोल्टेज 110 हो जाएगा, 110 वोल्टेज शो करेगी। और ये जो चोक है हमारी, ये चोक करती है सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। चोक हमारी सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ठीक है।
इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब इसमें जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना हमारी, ट्यूब में मर्क्यूरी आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। पारे की मात्रा इसमें पारे की जो मात्रा होती है वो 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम तक होती है, और चौको को हाई इम्पीडेंस के कारण सर्किट में कम मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि चौक का इम्पीडेंस होता है, वो बहुत हाई होता है, इसलिए इसमें जो करंट है वो कम प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी कम होता है, चोक का रेजिस्टेंस भी कम होता है। अगर आपको दिया जाए कि 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब में कितनी करंट प्रवाहित होती है, 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब में कितनी करंट फ्लो होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 430 मिली एम्पियर। ठीक है, और जो चौक की जो ट्यूबलाइट की इफिशेंसी होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की इफिशेंसी होती है, वो होती है आपकी 60 ल्यूमन प्रति वाट। इफिशेंसी ऑफ ये इफिशेंसी ऑफ ट्यूब लाइट वो होती है आपकी 60 ल्यूमन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? और इसकी जो आयु होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब की, तो वो होती है 5000 से 7500 बीक, यानी बीक हफ्ता पर घंटा आवर। ठीक है, अब इसकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ ये सारा ट्यूबलाइट का चल रहा है इफिशेंसी, ये सारा ट्यूबलाइट की, चौक की नहीं, आप समझे चौक की है, ये सारी चीज़ें ट्यूबलाइट की हैं। ठीक है, इसकी वेवलेंथ होती है 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मैं आपको इसके कनेक्शन डायग्राम, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अब आपके इसके जो कनेक्शन डायग्राम है वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा है ट्यूबलाइट कनेक्शन का अध्ययन करना। ठीक है, इसमें जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट और टूल्स एंड इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ट्यूबलाइट हो, स्टार्टर, चोक, रेजिस्टेंस, आईसी प्लायर। रेजिस्टेंस जो हमारा है वो डीसी वाले में हमें यूज होगा, एसी वाले में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वायर स्ट्रिपर, स्क्रू ड्राइवर, वायर एंड एसी एंड डीसी सप्लाई। ठीक है, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता। अब हम सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये हमारा स्टार्टर है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टर है, ये हमारी ट्यूबलाइट है, ये हमारी ट्यूबलाइट है, ये टंगस्टन एलिमेंट है, ठीक है, और ये हमारी चोक है। ठीक है, यहाँ से हमने इनपुट एसी सप्लाई दिए, ठीक है, ये हमने एसी सप्लाई दिए, और ये फेज टर्मिनल है जो हमारा, इससे हमने इसे चोक को सीरीज में लगाया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए हम इसे सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, हमने चोक को सीरीज में लगाया, इसका वर्क मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करती है। अब ये इस टर्मिनल से चोक, ये फेज वायर जो चोक के टर्मिनल से निकलेगा वो हमारे ट्यूबलाइट के फर्स्ट टर्मिनल में जाएगा यहाँ। ठीक है,
यहाँ जाएगा, उसके बाद में यहाँ से जो सेकंड टर्मिनल निकलेगा इस तरीके से यहाँ से जाएगा और यहाँ हमारे स्टार्टर के एक टर्मिनल में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में स्टार्टर से स्टार्टर जो हमारा है स्टार्टर हमारा स्टार्टर का ये टर्मिनल निकलेगा यहाँ से ट्यूबलाइट के ऊपर अपर टर्मिनल में कनेक्ट होगा, ठीक है। और ट्यूबलाइट का जो लोअर टर्मिनल है इससे एक वायर निकलेगा और हमारे न्यूट्रल में जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा स्टार्टर है, ये स्टार्टर बेसिकली इसका यूज कुछ ही माइक्रो सेकंड के लिए होता है। जैसे ये जब सप्लाई आती है तो कनेक्ट करने के लिए होता है, सप्लाई को कनेक्ट करता है फिर हट जाता है, ठीक है। ये हट जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसके जो डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे उसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा डीसी सप्लाई से कनेक्ट वाला सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ट्यूबलाइट कनेक्शन डीसी सप्लाई, ठीक है। ये हमारा स्टार्टर है, सेम स्टार्टर जो यहाँ पे हमने स्टार्टर यूज किया है, जो हमारा यहाँ पे स्टार्टर यूज है वही यहाँ पे हमारा स्टार्टर यूज है, ठीक है। और हमें यहाँ से इसे यहाँ फ्लोरोसेंट ट्यूब में कनेक्शन सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ है, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। और ये हमारी चोक है, और ये हमारी चोक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है डीसी सप्लाई में, सिर्फ यही चेंज होता है, बाकी सर्किट सेम रहता है पूरा, ठीक है। और इसका हम एक्सपेरिमेंटल किस तरीके से जलेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, कैसे जलेगी पूरा, जब लैब में जाएंगे तो पूरा हम इसका कनेक्शन सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके कनेक्शन के बारे में और इसके सारी डायग्राम के बारे में और इसका कहाँ का यूज होता है सारी चीज़ हम बताएंगे। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। एंड आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हो सकता है किसी को नहीं मालूम हो तो उसे थोड़ा नॉलेज हो जाए। थैंक यू।